हाय गाइस, मैं कमलेश कुमार एक बार फिर से मैथ अड्डा 247 आप लोगों के लिए फिर से लेके आया है। आइए दोस्तों, देखते हैं मेरे भाई, आज देखेंगे हम लोग अलजेब्रा, बीजगणित। क्या देखेंगे हम लोग? बीजगणित देखेंगे, अलजेब्रा देखेंगे, बीजगणित, अलजेब्रा। यह जो है ना बीजगणित, जहाँ तक बीजगणित की सवाल है, इसमें रेलवे एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उतना को हम लोग पहले फोकस करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा जाएगा और किस फॉर्म में पूछा जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। आइए मेरे भाई, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर पी दे दिया है, ठीक, यहाँ से तीन चार फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस माइनस वन बाय एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर प्लस माइनस वन बाय एक्स पावर फोर, एक्स पावर फाइव प्लस माइनस वन बाय एक्स पावर फाइव, डॉट 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 इसी फॉर्म में जाएगा। आइए, अगर हमको ये एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर पी कोई भी चर राशि दे दिया है, ठीक है, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर पी होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालेंगे, एक्स टू दी पावर फोर प्लस माइनस वन बाय एक्स टू दी पावर फोर, एक्स पावर फाइव प्लस माइनस वन बाय एक्स टू दी पावर फाइव के फॉर्म सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए, इसमें सबसे पहला कह रहा है एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर, मान लेते हैं के या पी, ठीक है, माने हैं के। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के, इसको किस किस तरह से लिख, किस किस फॉर्म में रहेगा? एक्स माइनस के इंटू एक्स बराबर माइनस वन रहेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन बराबर जीरो रहेगा, या तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के रहेगा, या नहीं तो एक्स इंटू एक्स माइनस के, एक्स इंटू एक्स माइनस के बराबर माइनस वन रहेगा, या नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन बराबर जीरो रहेगा। कोई भी सवाल इसी फॉर्म में रहेगा। आइए, जब भी हमको निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, तो आइए इसको बेसिक रूप में देखते हैं। एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो मेरे भाई, इसमें एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर हमको के दिया हुआ है, इसको दोनों साइड वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर बोथ साइड वर्ग कर, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स के होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। एक्स प्लस वन बाय एक्स, हम जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड वर्ग किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस दो हो जाएगा, एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस दो, तो इसका क्या फॉर्म आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस दो में जाएगा। इसी तरह जो भी सवाल आएगा उसको हम लोग देखते हैं। आइए आगे, आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सवाल कहेगा, देखिए यहां से, अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के, ठीक, यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोनों को निकाल कर देखते हैं।
सबसे पहले इसको विस्तार रूप से देखते हैं कैसे कैसे हम निकाल लेंगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसका अभी हम निकाले थे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू, यही आया था ना। अभी आइए यहां से हम इसको देखते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। अगर हम इसको दोनों साइड वर्क कर देंगे कोई दिक्कत, दोनों साइड वर्क कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू एक्स वन बाय एक्स बराबर के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस दो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस दो होगा। एक इसमें एक और फॉर्म हम लोग समझते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट के दिया रहे, ठीक एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर रूट के दिया रहेगा तब हम लोग को कहेगा निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। जब भी करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी, तो टू ए बी तो टू हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट के का स्क्वायर निकाल लेंगे तो के आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस टू हो जाएगा। जब भी एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट के दिया रहेगा तो क्या हमको होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के माइनस टू लिखेंगे। अगर हमको एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के दिया रहे रूट के दिया हुआ है, ठीक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के प्लस दो होगा। सबसे पहले एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर जब के दिया रहेगा तो हमको कहेगा क्वेश्चन कहेगा निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस दो होगा, अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। अगर हमको x प्लस वन बाय एक्स रूट के दिया हुआ है वो भी k का मान मान रहेगा, तो x प्लस वन बाय एक्स रूट के रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के माइनस दो होगा। अगर x माइनस वन बाय एक्स बराबर रूट के दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के प्लस टू होगा। आइए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी पे क्वेश्चन कह रहा है जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए एक इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर एन बराबर के दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर एन माइनस के, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको और क्या लिखेंगे एक्स टू दी पावर एन माइनस के इंटू एक्स टू दी पावर एन बराबर माइनस वन हो जाएगा। एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस के माइनस वन, या तो इसको क्या लिखेंगे और एक्स टू दी पावर एन इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस के एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ से क्या होगा एक्स टू दी पावर टू एन माइनस के एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि कहने का मतलब हुआ एक्स पावर एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर एन बराबर के रहेगा, या तो इतना रहेगा या तो इतना रहेगा, इतना को इतना लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में रहेगा इसको भी इतना लिखेंगे, ठीक। आइए आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन, ये तो आप लोग एक ये क्या हुआ एक जनरल फॉर्म हो गया। इसी पर हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस दो, ठीक। अब आते हैं एक्स टू दी पावर चार प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर चार, जब भी एक से डबल पावर में गए तो क्या के स्क्वायर माइनस दो, इतना को हम फिर से मान लेते हैं लेट माना पी,
ठीक, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 चल जाएगा, क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 2। जब इतना आ गया तो फिर 2 से 4 पाया है, 4 से अगर हम 8 पे जाएंगे तो एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 8 बराबर, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लिए एस, एस स्क्वायर माइनस 2 होगा। आइए इस सब सब पे सवाल देखेंगे एक एक करके, पहले हमको इसको समझना है। जब भी x प्लस 1 बाय एक्स बराबर के दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर 2 से हमको 4 में कह रहा है, क्वेश्चन दे देगा हमको 4 के फॉर्म में जाने के लिए, 2 से 4 पे जाएंगे तो इतना को मान लिए के, इतना के स्क्वायर माइनस 2 बराबर पी मान लिए हैं। जब टोटल पी हुआ तो एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर हम इसमें 8 में जाते हैं, 8 के पावर में जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 2 को मान लिए यहाँ पे एस, जब एस मान लिए हैं तो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8 जब होगा तो एस माइनस 2 हो जाएगा। इसी में अगर क्वेश्चन दे देगा ये, तो ये फॉर्म हो गया। इसमें अगर हमको कहेगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 दे दिया है, ठीक है, अब हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 कह रहा है निकालने के लिए, एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 8 निकालना है। ठीक, सबसे पहले x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 दे दिया है, ठीक, अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, एक से डबल फॉर्म, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है, एक से दो पावर में गए क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स बराबर के लिखे थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हुआ था, के स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो गया। अगर हम 2 से 4 में जाते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 चल गया 47 होगा। यहाँ पे आते हैं अगर हम यहाँ पे करा 8, 4 से 8 में जाने के लिए डायरेक्ट बोलेगा क्या करेंगे 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर क्या होगा 47 गुना 47 77 49 9 4 7 चौके 28 दो 9 56 4 60 के 0 हासिल 6 4 चौके 16 6 2209 हो जाए, 2200 कितना हो जाएगा 9 हो गया, 2209 में से 2 घट गया तो 2207 होगा इसका आंसर। आप लोग एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पावर 8 पे जाना है डायरेक्ट, और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जब भी कहेगा निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, प्लस से प्लस हो जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर 7 दिया हुआ है तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 के 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 हो जाएगा। यहाँ से इस पे आए हैं 4 से 8 पे जाते हैं तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, इतना हो जाएगा आंसर। आइए इसमें और थोड़ा देखते हैं आगे सवाल किस तरह आएगा। एक सवाल लेते हैं, एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक, ये क्या है गिवेन दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है फाइंड निकालने के लिए एक्स टू द पावर 8 प्लस, हमको कह रहा है निकालने एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 बराबर क्या होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5 दिया हुआ, सबसे पहले तो हम 2 के फॉर्म में जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 23, फिर अगर यहाँ तो 2 आया, यहाँ से फिर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 पे गिर गए हैं तो क्या होगा 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 होता है माइनस 2, 5 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया 27 हो गया। अगर इसी पे अगर हमको
क्वेश्चन कह देगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर दे दिया है, मान लेते हैं 10 दे दिया है, ठीक। अगर हमको 10 दिया है तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या होगा, ठीक। और हमको क्या निकालना है, x⁴ प्लस 1 बाय x⁴ क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 बाय x बराबर 10 दिया हुआ है, x प्लस 1 बाय x 10 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकालना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 कितना हो गया, 98। अगर हमको क्वेश्चन यही अगर कोई सवाल नहीं दिया हो, पूछेगा x⁴ प्लस 1 बाय x⁴ निकालने के लिए पूछेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद x⁴ पे जाएंगे। x⁴ पे आए हैं, यहाँ से क्या होगा, 98 का स्क्वायर माइनस 2, 98 का स्क्वायर 2 2 9 4 0, 96 96 04 माइनस 2 96 02 हो जाएगा आंसर। 96 96 माइनस 2, ठीक है, 98 का स्क्वायर माइनस 2 96, तो 4 हो गया माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 02 आंसर आ गया। आइए इसमें और आगे क्वेश्चन किस किस टाइप से आएगा इसको हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे देखते हैं हमको क्या कह रहा है, गिवेन हर सवाल में दिया रहेगा, आप लोगों को दिया रहेगा, गिवेन दिया गया है, ठीक है। जब भी दिया गया है तो एक्स प्लस 1 बाय x बराबर k या एक्स माइनस के इंटू एक्स बराबर -1 या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, बस इतना चीज दिया रहेगा आप लोग को, तब हमको क्या कहेगा निकालने के लिए, देन तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब निकालना है, x⁵ प्लस 1 बाय x⁵, x⁷ प्लस 1 बाय x⁷। आइए इसको हम लोग लिखते हैं कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बाय x बराबर क्या दे दिया है, के दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर क्या होगा, जब एक्स प्लस 1 बाय x k दे दिया है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब क्या हो जाएगा, k³ - 3k। आइए इसको सॉल्व करते हैं, x⁵ प्लस 1 बाय x⁵ जब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इंटू x³ प्लस 1 बाय x³ माइनस एक्स प्लस 1 बाय x होगा। आइए इसमें देखते हैं, x⁵ प्लस 1 बाय x⁵ जब होगा तो x⁴ प्लस 1 बाय x⁴ इंटू x³ प्लस 1 बाय x³ माइनस एक्स प्लस 1 बाय x। इतना में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कह रहा है। एक और इसमें फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एक्स माइनस 1 बाय x बराबर क्या होगा, अगर एक्स प्लस 1 बाय x k दिया हुआ है तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय x k दिया हुआ तो एक्स माइनस 1 बाय x रूट अंडर के स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4 होगा, इतना चीज दे दिया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं x⁵ प्लस 1 बाय x⁵ कैसे इतना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाय x आएगा, ठीक। इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक।
देखते हैं क्या एक्स्ट्रा आता है। हमको निकालना है एक्स टू द पावर 5 प्लस इसे एक्स क्यू से, इसमें एक्स टू द पावर 5 हो गया इससे गुना किए तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से गुना किए क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस 1/x^5। हमको तो लेना है x^5 + 1/x^5। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, x + 1/x ये क्या होगा घट जाएगा, इसीलिए यहाँ से घटा दिए हैं। इसी प्रकार 7 वाला में भी हम लोग देखते हैं, जब भी x^7 + x^4 x^3, ये तो 7 हो गया x^7 हो गया। अब यहाँ से होता है एक एक्स हो जाएगा प्लस 1/x होगा प्लस 1/x^7। x^7 + 1/x^7 ही तो रखना है ना, एक्स्ट्रा क्या आ गया x + 1/x, यही यहाँ पे घट जाएगा। अब आते हैं x + 1/x = k²-4। x + 1/x k दिया होता है, x - 1/x = k², √k²-4 होगा। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको x + 1/x = दिया हुआ है, x² + 1/x² निकालना है, ठीक। x + 1/x = अगर 2 दे दिया, x + 1/x = 2 दिया है, तो x² + 1/x² = 2 का स्क्वायर - 2 होगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 4। अगर x का मान हमको 3 दे दिया है, ठीक, x² + 1/x² क्या होगा, 3 का स्क्वायर - 2, 3 + 9 से 2 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर x का मान 4, 5, 6, 7, 8 तक दिया हो, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक दिया हुआ है, सभी मान को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर x + 1/x का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर - 2, 4 × 16 में से 2 गया कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर x का मान 5 दिया हुआ है, x + 1/x = 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से x² + 1/x² 5 के स्क्वायर - 2 23 हो जाएगा। यहाँ से 6 का स्क्वायर - 2 कितना होगा 34 होगा। यहाँ से 7 का क्या होगा, 7 का स्क्वायर - 2 कितना हो जाएगा 47। 8 का स्क्वायर - 2 68, 64 में से 2 गया 62 हो गया। 9 का स्क्वायर - 2 81 को आप लोग याद रखिएगा। x + 1/x 2 दिया हुआ था, x² + 1/x² 4 होगा। x + 1/x 3 दिया है, तो x² + 1/x² 7 हो जाएगा। अगर x + 1/x 4 दिया हो, तो x² + 1/x² 14 होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा हर संभव। x + 1/x = 6 दिया हो, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसी प्रकार आइए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में। x - 1/x = 2 दे दिया, ठीक, 4 में से 2 गया यहाँ पे तो होगा x² + 1/x² निकालना। अगर हमको इस टाइप का सवाल दिया गया है, ठीक है, x - 1/x² = 2 दिया है, x² + 1/x² का सभी मान निकालेंगे। हम जानते हैं x - 1/x² = k है, x² + 1/k² + 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 = 6 हो गया। अगर x + 1/x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दे दिया, x - 1/x का मान अगर हमको 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 × 9 = 2 = 11 होगा। अगर x - 1/x का मान 4 दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 × 16 = 2 = 18 होगा।
एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान 5 दिया हुआ, तो 5 के स्क्वायर प्लस 2, 25 दू 27 हो जाएगा, 25 दू 27 हो जाएगा। अगर एक्स प्लस छ एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान 6 दे दिया है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 38 होगा। यहाँ अगर 7 दिया हुआ तो 7 सत्तर 49, 7 का स्क्वायर प्लस 2 49 दू 51, 8 का स्क्वायर 8 दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान 8 दिया है, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 64 दू 66, 9 दिया हुआ तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 81 दू 83। इतना में कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर 2 हुआ, प्लस से प्लस में गए। अब आते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर 2 दिया हुआ था, माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस में, प्लस से प्लस में जाएंगे तो चिन्ह घटेगा, माइनस से प्लस में जाएंगे तो चिन्ह क्या हो रहा है जुट रहा है। एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर दिया हुआ है हमको 2, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो गया, एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान 3 है तो 11 होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान 4 है तो 18 हो जाएगा। इतना में आप लोग को हमको नहीं लगता आप लोग कहीं से कोई दिक्कत होगा। आइए इस पे एक बेसिक बेसिक फार्मूला हमको इसका देखते हैं। एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर अगर दिया हुआ है अगर हमें x माइनस वन बाय एक्स बराबर के दिया हुआ है, गिवेन दिया गया है, या x माइनस के इंटू एक्स बराबर 1, या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0, तब हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 7। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर जब के दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2 क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ जोड़ेंगे, एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के दिया होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के दिया होता है, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब के क्यूब प्लस 3 के। अब यहाँ पे आते हैं एक्स टू द पावर 5 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 5, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स। आइए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स। यहाँ पे एक्स टू द पावर 7 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 7 क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स। एक और इसमें देखते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट अंडर के स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 होगा। आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं सही फॉर्मूला, एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के, या एक्स इंटू एक्स माइनस के बराबर 1, या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो हमको ये दिया गया है। तब निकालना क्या है हमको, जब बोलेगा हमको
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकाल लेंगे तो के क्यूब प्लस 3 के हो जाएगा, एक्स टू दावर 5 माइनस 1 बाय एक्स टू दावर 5 निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स टू दावर 7 माइनस 1 बाय एक्स टू दावर 7 एक्स टू दावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दावर 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस इतना हो जाएगा। अगर हमको एक्स माइनस 1 बाय एक्स के दिया हुआ तो माइनस से सेम बेस पे जाने के लिए प्लस में जाने के लिए के स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 होगा। आइए इतना में आप लोग को कोई दिक्कत कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जो भी सवाल दिया हुआ है आइए इस बेस पे हम लोग सवाल करते हैं क्या सब क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है a माइनस 1 बाय a बराबर 7 देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a माइनस 1 बाय ए बराबर 7 देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब भी हम जानते थे x माइनस 1 बाय एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या बोले थे कि स्क्वायर प्लस 2 होगा, इतना को आप लोग याद रखिएगा। आइए इस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स ए माइनस 1 बाय ए बराबर 7 देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस कितना होगा तो 49 दो 51, इसका आंसर कितना हो गया 51। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 बाय एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 2, ठीक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ क्या होगा ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या, यहाँ से अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स से भागा एक्स स्क्वायर देंगे क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स दे दिया 2 दिया गया है तो पुट एक्स बराबर 1 रखें, एक्स का मान 1 यहाँ भी 1 एक और एक 2 हो गया, यहाँ भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर फार्मूला से हम लोग जाते हैं तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स 2 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बोले थे के स्क्वायर माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2 दोनों 4 में से 2 गया आंसर 2, किसी तरह से जाएंगे तो आंसर क्वेश्चन का आंसर उतना ही आएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस 1 बाय a बराबर 10 तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए आप लोग सेम a माइनस 1 बाय ए बराबर क्या दिया हुआ है 10 दे दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस 1 बाय ए बराबर 10 दिया है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में जा रहे हैं क्या होगा जुटेगा, 10 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2, 102 इसका आंसर होगा। इतना आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को हम एक और इस पर फॉर्मूला भी बताए थे, दो मिनट पहले आप लोग को हम बताए थे x प्लस 1 बाय एक्स बराबर रूट में k हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर k माइनस 2 होगा, ठीक x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स बराबर रूट k बोले थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर के प्लस 2 होगा। अच्छा एक बार इस दोनों को देखते हैं, दोनों का ड्राइव तो हम लोग देख लिए थे, x प्लस 1 बाय x बराबर के दिया गया है, जब भी के दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर क्या होगा के माइनस
दो हो जाएगा। के माइनस क्या होगा, दो होगा। अगर हमको एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर क्या दिया हो, के दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्या होगा, के प्लस टू होगा। इस पे आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट सेवन दिया हुआ है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट के का मान 5, के का मान 7 है, तो 7 माइनस 2 आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर हमको एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट 13 दे दिया है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, 13 माइनस 2 11 हो जाएगा आंसर। आइए इस पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर रूट 5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर दिया हुआ है रूट में 7 दे दिया है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, इतना आंसर होगा। आइए इससे आगे और देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक्स माइनस वन बाय नाइन एक्स बराबर 4, 81x4 प्लस वन बाय 81x4 बराबर क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वन बाय 3x बराबर क्या होगा, 12 हो गया। एक्स माइनस वन बाय नाइन एक्स बराबर 4 दिया हुआ था, 3x माइनस वन बाय 3x बराबर क्या, 3 से गुना किया, इसमें भी 3 से गुना किया, इसमें भी 3 से गुना किया, इसमें भी 3 से गुना किया, तो 4 किया 12 हो गया, 3x हो गया, 3 से 9 कट गया, 3 टाइम। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमको जाना है 4, 4 के पावर में, तो 9x स्क्वायर प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 144 में से 2 चल गया, कितना होगा, 142। यहाँ से आइए फिर हम लोग जाते हैं प्लस से, प्लस में जा रहे हैं, 81x4 प्लस वन बाय 81x4, 142 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 142 का स्क्वायर, देखिए यहाँ से एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्स माइनस वन बाय नाइन एक्स बराबर 4, 3x माइनस वन बाय 3x बराबर 12 हो गया। माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, जुटेगा, 100 कितना हो जाएगा, 144 दू 146, यहाँ पे 146 हुआ, तो 146 यहाँ पे फिर प्लस से प्लस में जा रहे हैं, क्या होगा, घटेगा। 146 का स्क्वायर कितना होता है, 146 को 146 करेंगे, 146 सौ के 36 के 84, 3 3 3 6 चौके 24, 6 चौके 24 है 24, 48 48 3 51 के 5 5 6 12 16 28 8 5 13 23 के 3 हासिल 2 चार चार आठ दो दस के 0 हासिल 1 एक एक 2 23, नहीं, 3 न हुआ था, यहाँ पे क्या, 3 3 3 3 से 1, 21 316 होगा इसका, 21 316 में से 2 घट जाएगा, 21 314 हो जाएगा आंसर। एक बार इस सवाल को फिर से समझते हैं। हमको दिया हुआ x माइनस वन बाय नौ एक्स बराबर 4 दिया गया,
हमको जाना है एक्स 81 एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाय 81 एक्स टू पावर 4 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर एक्स 3x माइनस 1/3 एक्स बराबर 12 दिया गया है, थ्री इतना से इतना में आए, 3x माइनस 1/3 एक्स बराबर 12 हो गया, तो 9x² प्लस 1/9x² होगा, क्योंकि एक्स माइनस 1/x बराबर x² प्लस 1/x², 3x 9x² प्लस 9 1/9x² बराबर 12² प्लस 2, 144 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। यहाँ से फिर आगे बढ़े, 81x⁴ प्लस 1/81x इसका स्क्वायर किए, 146 मिले, 146 का स्क्वायर होता है 21316 माइनस 2 21314 इसका आंसर होगा। आइए इसमें और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। पी बराबर 6 प्लस √35 दिया हुआ है, ठीक। इसका 1/p क्या होगा, जब भी 1/p निकालेंगे तो देखिए तो 6 माइनस √35 हो जाएगा। जब पी बराबर दिया हुआ 6 प्लस √35 तो 1/p, आइए हम लोग इसका 1/p बराबर हम लोग क्या कैसे निकाले, इसको सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। अगर p बराबर दिया होता है तो 1/p निकालते हैं, तो 1/p बराबर क्या होगा, 1/6 प्लस √35। इसका परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 6 माइनस √35 बटा 6 माइनस √35, तो यहाँ से 6 का 6 a+b a-b, तो a² - b² a-b के 6 माइनस √35 बटा क्या होगा, 6 के 36 माइनस 35, तो 1 हो गया, यहाँ से क्या होगा 6 माइनस √35। अगर p बराबर 6 प्लस √35 6 प्लस √35 तो 1/p, इस दोनों का स्क्वायर का अंतर देख लेंगे, अगर 1 है तो डायरेक्ट इसमें माइनस लगाकर के आंसर लिख देंगे, तो 1/p क्या हो जाएगा 6 माइनस √35। अब हमको यहाँ से हमको एक चीज निकालना है, p बराबर दिया हुआ इतना, p प्लस 1/p निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों 6 जो है 6 में 2 से गुना कर दें, क्या हो जाएगा 6 गुना 2 12, यही हमको यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा था। अगर हमको यहाँ से p प्लस 1/p अगर हमको क्वेश्चन कहेगा, देखिए आप लोग, p प्लस 1/p बराबर दिया हुआ इतना, p² + 1/p² बराबर क्या होगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो पी बराबर 6 प्लस √35 दिया हो, तो 1/p पहले निकालेंगे, तो 1/p 6 माइनस √35, तो पी प्लस 1/p 6 गुना 2, 6 और 6 पी प्लस 1/p क्योंकि दोनों कट जाएगा, 6 गुना 2 12 हो गया। जब 6 गुना 2 12 हो गया तो p² + 1/p² हमको निकालना है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, p² प्लस, यहाँ प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो 12 के² - 2 हो जाएगा, 144 - 2 142 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी पे एक चीज और कहेगा, अगर हमको p का मान दिया हुआ, 1/p निकाल लिए, तो हमको कहेगा निकालने के लिए p - 1/p, जब भी कहेगा p - 1/p तो 2√35 होगा। p + 1/p 6√35 दिया, p - 1/√6 6√35 निकला है, तो p + 1/p पहला का 2 गुना कर देंगे अगर प्लस पूछेगा, तो अगर माइनस पूछेगा 12 का 2 गुना कर देंगे, अगर माइनस वाला पूछेगा तो छोटा का 2 गुना कर देंगे। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें एक चीज और हम लोग समझते हैं। मेरे भाई आइए, यहाँ पे कह रहा है x + y / x - y दिया गया है, p का मान, q का मान दिया हुआ है x - y / x + y। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हमको पूछेगा p + q क्या होगा और p - q
क्या होगा? देखिए p और q, हम यहां से एक चीज चेक कर लेंगे, p और q का गुणनफल हमेशा एक होता है। इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट, p और q 1 हो गया। तो p प्लस q जब भी निकाल लेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा p प्लस q निकालने के लिए। अगर हम p माइनस q निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, 4 एक्स वाई बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालेंगे। अगर हमको p प्लस q बट्टा एक्स माइनस वाई, p बराबर एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस, q बराबर एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, रूट के ही फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो p प्लस q जब भी निकालेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से p माइनस q बराबर 4 एक्स वाई बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। आइए इसमें जो भी क्वेश्चन कह रहा था उसको हम लोग देखे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ 12 रूट, ठीक, 1/x बराबर दिया हुआ है 17 माइनस 12 रूट, ठीक। दो चीज दिया हुआ हमको, कह रहा है निकालने के लिए, दोनों चीज दे दिया गया है हमको, कह रहा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, व्हाट। आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहां से जब भी हम निकालेंगे तो एक्स प्लस 1/x 17 गुना 2 34 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 34 के स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर कितना होगा, 10 56। देखिए 4 चौके 16 6 हासी ले, 4 3 12 2 9 24 1 25 के 5 हासी, 2 3 9 2 11 56 माइनस 2 1154 होगा, इतना आंसर आ गया। ठीक है आज मेरे भाई, आज इतना ही था। और आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत आएगा, जो भी अलजेब्रा का सवाल बताएं आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, जहां प्रॉब्लम होगा हम उस पर फिर वर्क करेंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। जो भी दिक्कत होगा उसको हम फिर से बताएंगे और इसमें सवाल को लाते हैं और सेकेंड पार्ट इसका आएगा, सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुड बाय।